वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, और ये आपका बीएससी फाइनल ईयर की चैप्टर नंबर 6 और यूनिट नंबर 3 है। इंपॉर्टेंट है बीएससी बीटेक एग्जामिनेशंस के लिए या कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन आए। तो देखिए हमारे पास क्या गिवन है। फर्स्ट टॉपिक, फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू y इन fx टेबुलेटेड बिलो एट x इज इक्वल टू 10। तो हमें 10 पे वैल्यू निकालनी है, डेरिवेटिव यानी कि हमें निकालना है f डैश 10 कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखिए हमारा जो टेबल गिवन है वो कैसे गिवन है। x है 3 5 11 27 34, तो ये जो स्पेसिंग है ये कैसी है, इक्वल है या अनइक्वल। जब कभी भी हमें क्वेश्चन गिवन होगा तो सबसे पहले हमें स्पेसिंग देखनी पड़ेगी, इक्वल है या अनइक्वल। तो ये स्पेसिंग आपके पास कैसी है, अनइक्वल स्पेसिंग। तो अनइक्वल स्पेसिंग है तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी पुरानी वीडियो और लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। देखिए अनइक्वल स्पेसिंग है तो सबसे पहला काम होता है आपको डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाना। सबसे पहला काम है आपको डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाना। तो डेल एफ एक्स बना लिया, डेल एफ एक्स का मतलब क्या है, 23 माइनस 13। तो 23 माइनस 13 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस डिवाइड बाय 5 माइनस 3, तो ये आपके पास सिंपलीफाई हो क्या जाएगा, 36 बाय 2 18। इन द सेम वे नेक्स्ट करिए आप, 8 9 9 माइनस 23 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 5, ये आ जाएगा आपके पास 6। तो 6 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, ये बन जाएगा आपके पास 146। नेक्स्ट लीजिए 17315 माइनस 899 डिवाइड बाय 47 माइनस 11, सिंपलीफाई कर लीजिए ये आपके पास बन जाएगा 1026। नेक्स्ट कैलकुलेटर की हेल्प से आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, 35606 माइनस 17315 डिवाइडेड बाय 34 माइनस 27, इसको डिवाइड कर लीजिए आपके पास आ जाएगा 2613 विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो मैंने ये फर्स्ट टेबल बनाई। नेक्स्ट क्या करूंगा, आप सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाओ, उसमें क्या करना होता है, इसमें से इसको माइनस करो, 146 माइनस 18 डिवाइड बाय 8 को स्पेसिंग को छोड़ दो यानी कि 11 माइनस 3। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 1026 माइनस 146 डिवाइड बाय 27 माइनस 5। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 2613 माइनस 1026 डिवाइडेड बाय 34 माइनस 11, ये हमारा अनइक्वल स्पेसिंग में डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनती है। तो ये आपके पास आ जाएगा आपका सिंपलीफिकेशन 16 40 और 69 हमारा बन गया। नेक्स्ट चलिए थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। तो थर्ड में हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए, थर्ड डेल क्यू एफएक्स क्या बन गया, 40 माइनस 16 डिवाइडेड बाय, अब दो स्पेसिंग छोड़ दीजिए, तो 27 माइनस 3। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 69 माइनस 40 डिवाइडेड बाय दो छोड़ दीजिए, 34 माइनस 11, तो ये आपके पास बन गया 24 बाय 24 1 24 बाय 24। अगर आप फोर्थ डेरिवेटिव आप निकालना भी चाहो तो निकाल लो, वो आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंसेस। तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि कोई भी हमें इस टेबुलेटेड फंक्शन गिवन होता है तो हमें ये चेक करना होता है इक्वल है या अनइक्वल है। इक्वल है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज बना दो, और अनइक्वल है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू को डिफाइन करो। तो सबसे पहला काम होगा हमारा ये टेबल बनाना। तो हमने ये टेबल बनाया, मैं इस टेबल को थोड़ा सा सिंपलीफाई करके इजी वे में लिख देता हूँ ताकि आपको ये चीजें याद रहे। अब देखो टेबल हमने ड्रॉ कर, ठीक है, टेबल में हमारे पास क्या आया, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यूज आई 18 146 1026 एंड 2613। नेक्स्ट में हमने सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकाला, उसकी टेबल आपके पास बन गई 16 40 69। नेक्स्ट हमने क्यूब कर लिया, उसकी बन गई 1 और 1, फोर्थ वाले की 0 हो गई, नो नीड टू मेंशन। अब देखिए अगर अनइक्वल स्पेसिंग हो तो हमारा सबसे पहला अनइक्वल स्पेसिंग को सिंपलीफाई करने का क्या तरीका होता है, अनइक्वल स्पेसिंग को सिंपलीफाई करने का एक तरीका होता है कौन सा, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर वही यूज करेंगे, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला यूज करेंगे।
ये हमारे पास टेबल फॉर्म हो गई है, ठीक है। अब इस टेबल की हेल्प से हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए ध्यान से, नाउ न्यूटन्स बाय न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला क्या रहता है आपको, बाई एस यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स नोट प्लस एक्स माइनस एक्स नोट फर्स्ट डेरिवेटिव यानी फर्स्ट डिफरेंस डिवाइड डिफरेंस x नोट और x1 का प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा x माइनस x नोट x माइनस x1 सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस x नोट के साथ x1 और x2 का प्लस थर्ड में चलेंगे तो क्या आएगा x माइनस x नोट x माइनस x1 x माइनस x2 थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस एंड x नोट x1 x2 x3 और ऐसे चलता जाएगा फोर्थ वैल्यू तक। क्या है बिल्कुल, ये है x नोट, ये है x1, ये है x2, ये है x3 एंड दिस इज x4। ये क्या हो जाएगा x नोट, आप देखो फर्स्ट फर्स्ट ले लो तो ये हो गया आपके पास fx नोट, दिस इज फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एट x नोट, दिस इज सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस एट x नोट, दिस इज थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस एट x। यहां से अगर हम सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे को क्या मिल जाएगा fx मिल जाएगा, fx मिल जाएगा हमारे पास। अब fx जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी हमें तो क्या करना है fx पॉलीनोमियल मिल जाएगा, तो हमें क्या करना है उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो या तो आप करो इस फॉर्मूले में डेरिवेटिव कर दो डायरेक्ट डिफरेंशिएट एट x नॉट आ जाएगा, या फिर आप क्या करो पहले पॉलीनोमियल बना लो और फिर उसका डेरिवेटिव कर दो तब भी आपका क्वेश्चन सिंपलीफाई हो जाएगा। तो जैसा आप मन करे वैसे सिंपलीफाई कर लो, अगर आपको पहले डेरिवेटिव करना है तो पहले डेरिवेटिव कर लीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा fx नॉट हो जाएगा 0, कांस्टेंट वैल्यू हो गई x - x नॉट डेरिवेटिव होता है 1, क्या बच गया आपके पास 1 * फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एट x नॉट एंड x प्लस यहां लगेगा इक्वल टू v फर्स्ट और सेकंड है, तो आपके पास एक बार तो हो जाएगा x - x नॉट एज इट इज इसका 1 प्लस एक बार आ जाएगा x माइनस x नॉट एज इट इज इसका 1 और साथ में आ जाएगा डेल स्क्वायर x नॉट एट x एंड x इज इट क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट पे करेंगे प्लस, अब तीन है एक बार इसका डेरिवेटिव एक बार इसका डेरिवेटिव एक बार इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव 1 क्या बच गया x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस इसका डेरिवेटिव 1 x माइनस x0 x माइनस x2 प्लस इसका डेरिवेटिव 1 x माइनस x0 x माइनस x1 इज इट क्लियर, और मल्टीप्लाई बाय क्या बच गया हमारे पास दैट इज थर्ड डेरिवेटिव ऑफ fx0 x1 x2 x3 इज इट क्लियर। हमने क्या कर दिया इसको डिफरेंशिएट कर दिया फॉर्मूले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब करना क्या है अब सिंपलीफाई कुछ नहीं करना, अब जस्ट x0 x1 x2 इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो वैल्यू पुट करो क्या बन जाएगा आपके पास, वैल्यू पुट करने के बाद देखिए देयर fx0 ये तो हट गया तो यहां स्टार्ट हो जाएगा 18 18 प्लस x माइनस x0 x कितना है आपका 10 है, हमें 10 पे निकालना है तो 10 माइनस x नॉट इज 3 तो 10 माइनस 3 यानी 7 प्लस 10 माइनस x1 5 तो 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय सेकंड डेरिवेटिव सेकंड वैल्यू कितनी है 16 तक प्लस नेक्स्ट आगे निकालो अगली वैल्यू क्या आएगी देखिए x आपके पास क्या है 10 और ये आ गया आपके पास 10 माइनस 3 7 प्लस ये क्या सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 ये क्या बन गया 10 माइनस 2 5 तो 7 और 5 की मल्टीप्लाई क्या बन गया आपके पास 30 नेक्स्ट प्लस अब x माइनस सॉरी देखिए x माइनस x1 है तो ये हो गया आपके पास 10 माइनस 5 5 x माइनस x2 है ये हो गया 10 माइनस 1 11 यानी माइनस 2 और मल्टीप्लाई हो गया आ गया आपके पास माइनस 5 तो ये हो गया माइनस 1 नेक्स्ट पे चलते हैं प्लस x है 10 x नॉट है 3 तो 10 माइनस 3 हो गया ये 7 ये है 10 और x2 है 11 ये हो गया माइनस 1 ये टोटल बन गया आपके पास माइनस 7 x2 ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं x माइनस x नॉट कितना हो गया आपके पास 7
ठीक है, और x माइनस एक्स वन हो गया आपके पास वाले, तो ये बन गया प्लस 35 और इसकी वैल्यू हो गई 1। आप सिंपलीफिकेशन देखो, ये 18 प्लस 7 और 5 12, ठीक है, कैलकुलेटर से आप सिंपलीफाई कर लो, किस किस की वैल्यू 12 इंटू 16 आपके पास कितना बनेगा, ठीक है, तो 12 इंटू 16 सिंपलीफाई करना है हमने, देखिए यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय 16 ये हो गया 192 प्लस, अब 35 में से आपको कितना माइनस करना है 12, ठीक है, 35 माइनस 12 ये हो गया आपके पास 23, आप इन सबको ऐड करके देखेंगे 23 प्लस 192 प्लस 18 दैट इज 233, तो आफ्टर सिंपलीफिकेशन यू विल गेट 233 इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यू, इस पर फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यू किसके लिए दी है f डैश tan की, क्योंकि हमने क्या कर दिया x की जगह tan पुट कर दिया और x नॉट x1 x2 ये थी, तो इस तरह से आपने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के अनइक्वल स्पेसिंग का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सिंपलीफाई कर सकते हो, अगर इसमें डबल डेरिवेटिव पूछ जाए तो इसका एक बार और डेरिवेटिव कर देना और उस वैल्यू पुट कर देना, तो इस तरह से आप अपने हर क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर सकते हो। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। थैंक्स टू फॉर ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।